जय स्वामीनारायण। श्रीजी महाराजे शिक्षा पत्री में आज्ञा करी छे कि अमारो दरेक आश्रित एकादशी नु व्रत अवश्य करे। भक्तो एकादशी ना दिवसे जो तेनी कथा सांभळवामां आवे तो एकादशी नु फल अनंत गणु थाय छे। भक्तो आसो मासमां कृष्ण पक्षमां जे एकादशी आवे छे तेने रमा एकादशी कहेवामां आवे छे। भक्तो आजना वीडियो मां आपणे आसो मासमां आवेली रमा एकादशीनी कथानुं महात्म्य सांभळीशुं। माटे भक्तजनों 10 इंद्रियो अने 11મું मन भगवानमां जोड़ीने आवो आपणे सांभळीए एकादशी कथानुं महात्म्य। भक्तो एकवार धर्मराजा युधिष्ठिर भगवान कृष्णने कहे छे के हे प्रभु, हे दयानिधि, कृपा करी मने आसो मासमां कृष्ण पक्षमां आवती एकादशी व्रतनुं महात्म्य समझावो। त्यारे प्रभु बोल्या, आसो मासमां कृष्ण पक्षमां रमा नामनी दुःख हरनारी अने सुख आपनारी तथा पापोना नाश करनारी उत्तम एकादशी आवे छे। प्राचीन काळमां मुंचकुंद नामना प्रख्यात राजा थई गया, जेवो विष्णुना परम भक्त अने सत्य प्रतिज्ञ हता, पोताना राज्य उपर निष्कंटक राज्य करनार ते राजाने त्यां चंद्रभागा नामनी सुंदर पुत्रीनो जन्म थयो। राजा मुंचकुंदे बीजा देशना राजा चंद्रसेनना पुत्र शोभन साथे पोतानी पुत्रीना लग्न करावी दीधा अने थोड़ा समय बाद राजा चंद्रसेनो पुत्र शोभन पोतानी पत्नी साथे ससराना घरे आव्यो अने तेज दिवसे एकादशीनो दिवस होवाथी मुंचकुंद राजाए पोताना नगरमां दरेक एकादशीनी जेम आ एकादशीए पण जाहेरमां जणाव्युं के एकादशीना दिवसे नगरमां कोईपण प्रजाजन भोजन न करे। आ सांभळीने शोभने पण पोतानी प्रिय पत्नी चंद्रभागाने कह्युं के हे प्रिये, हवे एकादशीना पवित्र दिवसे मारे शुं करवुं जोईए ते मने समझाव। आ सांभळी चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मारा पिताने घेर एकादशीना दिवसे मनुष्य तो शुं कोई पाड़ेला पशु पण भोजन नथी करी शकता। प्राणनाथ, जो तमे भोजन करशो तो तमारी आ राज्यमां खूब ज निंदा थाशे। आ सांभळी चंद्रभागानो पति शोभन बोल्यो, हे प्रिये, तारू कहेवू सत्य छे, हूँ पण आजे उपवास करीश। भगवान श्री कृष्ण आगळ कहता कहे छे के हे युधिष्ठिर, चंद्रभागानो पति शोभन दृढ़ निश्चय करीने एकादशीना दरेक नियमनु पालन करी एकादशीनु व्रत कर्यु, परंतु सूर्योदय थता ज शोभननु मृत्यु थयु। राजा मुंचकुंदे पोताना जमाई शोभननो राजो चित्त प्रमाणे अग्नि संस्कार कर्यो। चंद्रभागा पण पोताना पतिनु परलौकिक कर्म करीने पिताना घरे ज रहेवा लागी। हे राजा युधिष्ठिर, बीजी बाजू शोभन एकादशीना व्रतना प्रभावती मंद्राचल पर्वतना शिखर उपर वसेल परम रमणीय देवपुरने प्राप्त थयो। वक्त जता मुंचकुंदना नगरवासीना प्रसिद्ध ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थयात्राना प्रसंगे फरता फरता मंद्राचल पर्वत पर गया। त्यां तेमणे चंद्रभागाना पति शोभनने जोयो। पोताना नगरना राजाना जमाईने ओळखीने सोम शर्मा तेमनी पासे गया। शोभन पण ब्राह्मण सोम शर्माने आवता जोईने पोताना आसन उपरथी ऊभा थया अने तेमने प्रणाम कर्या। पछी शोभने पोताना ससरा राजा मुंचकुंदना अने पोतानी प्रिय पत्नी चंद्रभागाना तेमज नगरजनना कुशल समाचार पूछ्या। सोम शर्मा शोभनना उत्तर आपता कह्युं के हे राजन, त्यां बधा कुशल छे। आवुं सुंदर अने पवित्र नगर ज क्यांय कोईए जोयुं नहीं होय,
कहो तो खरा तमने आ नगर केवी रीते मळ्यु। आ वात सांभळीने शोभन बोल्या, हे ब्राह्मण, आसो मासमा वद पक्षमा जे रमा एकादशी आवे छे तेनू व्रत करवाथी मने आवा नगरनी प्राप्ति थई छे। मैं श्रद्धाहीन बनीने ते व्रत कर्यु हतु, तेथी आ नगर स्थायी नथी। तमे मुंज कुंदनी पुत्री चंद्र भागाने आ वृतंत अवश्य कहजो। शोभननी आ वात सांभळीने सोम शर्मा मुंज कुंद उर गाममां गया अने त्यां चंद्रभागाने समग्र वृतांत कही संभळाव्यु। चंद्रभागाए ब्राह्मणनी वात सांभळीने कह्युं के हे ब्राह्मण देव, मारा मनमां पतिना दर्शननी लगन लागी छे, तमे मने त्यां लई जावो, हुं मारा व्रतना प्रभावे ते नगरने स्थायी बनावीश। श्री कृष्ण आगळ जणावता कहे छे के हे राजन, चंद्रभागा मंत्राचरणी पासे आवेला वामदेव मुनिना आश्रममां गया, त्यां ऋषिना मंत्रनी शक्ति अने एकादशी व्रतना प्रभावथी चंद्रभागानुं शरीर दिव्य बनी गयुं अने तेणे दिव्य गतिनी प्राप्ति करी लीधी। त्यारबाद चंद्रभागा पोताना पति पासे गई, शोभने पोतानी प्रिय पत्नीने पोतानी डाबी बाजूना आसन उपर बेसाड़ी अने त्यारबाद चंद्रभागाए पोताना प्रिय पतिने आ वचन कहता कह्युं के हे नाथ, हूँ तमने हितनी वात करूँ छू ते सांभळो। जारे हूँ 8 वर्षनी थई त्यारथी लईने आज सुधी करेली एकादशी थी आ नगर कल्पना अंत सुधी स्थायी रहेशे अने बधा ज प्रकारना इच्छित वैभवथी समृद्धशाळी रहेशे। हे युधिष्ठर, आ प्रमाणे रमा एकादशीना व्रतथी चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप अने दिव्य आभूषणोथी विभूषित बनीने पोताना पति साथे मंद्राचल पर्वतना शिखर उपर विहार करे छे। राजन, मैं तमारी समक्ष रमा नामनी एकादशीनु वर्णन कर्यु। आ एकादशी चिंता हरी ले छे अने कामधेनुनी जेम बद्दाज मनोरथ पूर्ण करनारी छे। भक्तो, आपणे आजे रमा एकादशीनु जे व्रत होय छे तेनी कथा सांभळी सर्वे हरि भक्तों ने अमारा घना हित थी। जय स्वामीनारायण।